साधना। चार मिनट अभी बाकी है, वैसे नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव और होली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग। आज ऐसे ही बस आप लोगों का प्यार रहा, लेकिन कुछ से सेकंड चलना चाहिए, सेकंड चल नहीं रहा। कौन सेकंड? ऐसा इतना लाइफ आ रहा है। आप लोग का प्यार आशीर्वाद रहा और ऐसे ही बस दिल में तमन्ना थी कि होली पे चर्चा। विजय यादव जी, होली है भैया? होली शहर में पंजाब में समझ में ना आवा था कि होली है कि ना। ये जो होली था कल होला बनेला, आ होला का कल हम वीडियो बना कि होला कैसे होला। ठीक है भैया, शुभम भैया नमस्कार, नमस्कार, का हाल बा? चूँकि 4 बजे कॉल रही है लेकिन पहले लाइव आई बनी, अच्छा लगत बटे कि ये प्यार आशीर्वाद बटे। आप लोग देखो तनी ठीक बटे। सच्चाई है भैया कि भोजपुरी कब कब मने ऐसा तो पंजाबी बोली ना, लेकिन जैसन देश हो वैसन भेष बना लेवे के चाहिए। सच्चाई एगो और बात भैया कि संस्कार और सत्कार ही घर से मिलल बटे। शुभम भैया लिखत हूँ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर जी। अरे शुभम भैया ऐसा कुछ ना, सर जी ना यार तुम्हार छोट भाई है ऐसे समझिया। बहुत अच्छा लगेगा कि मतलब तुम लोग कह ला प्रधान जी यादव विजय, विजय भैया नमस्कार प्रणाम स्वीकार करी हमार। चुनाव तो सुन लिया कि कुल चलत बटे एम का मतलब चलता है, ऐसे ही अच्छा लगेगा कि आप लोग प्यार दिला। लेकिन आज मूल उद्देश्य रहा सर लाइव आने का, मैं बता दूं कि लाइव आने का मूल उद्देश्य रहा कि हम कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहे थे, वजह था ना बनाने का वजह था। और एक चीज़ और है, कभी कभी हैरानी परेशानी आती रहती है और इस यूट्यूब फेसबुक पे आज लाइव हूँ, लेकिन अब कुछ दिन से अपने YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे मैं लाइव रहूँगा। आप देखेंगे, प्यार स्नेह आशीर्वाद देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है और लोग देख भी रहे हैं। रामाकांत कुशवाहा जी को नमस्कार सर, अच्छा लगा। और होली, होली होती क्या है? होली पहले के होली में और आज के होली में बहुत का फर्क हो गया है दोस्तों। और कमेंट आप करते रहिए। नीरज गुप्ता जी, नीरज गुप्ता जी को प्रणाम भैया, और कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छा होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। और साथ ही साथ मैं जल्द लाइव तो नहीं होता, एक दिन दिल्ली से लाइव हुआ, आज मैं खुद अपने यहाँ से लाइव हूँ। और लाइव होने का वजह था कि प्यार आशीर्वाद आप लोग का मिल जाए, अच्छा लगता है। और सोचता हूँ कि कुछ अलग किया जाए। उपेंद्र कुमार, उपेंद्र कुमार जी भैया को नमस्कार प्रणाम है भैया, और बताइए कैसे हैं? आज होली, होली पे हम लोग चर्चा करेंगे, होली मनानी चाहिए या नहीं मनानी चाहिए। पंजाब में एक अलग रुतबा मैंने देखा है। और कल अपने YouTube चैनल पे मैं अपलोड करूँगा, यहाँ पे होली नहीं होला होता है। आखिर होला क्यों होता है, होली क्यों होती है, ये दोनों का मतलब मैं दिखाता हूँ। राकेश कुशवाहा जी नमस्कार सर, अच्छा लगा कि आप लोग लाइव हैं, इतना समय अपना दे रहे हैं। यही है, प्यार आशीर्वाद बना रहे। आगे और बहुत कुछ कहना है करना है, बस आप लोग का आशीर्वाद रहे। पंजाब में एक अलग पहचान आपका भाई बनाया है और बना रहा हूँ, अभी बहुत कुछ करना है, अभी तो चल रहा हूँ, मंजिलें बहुत हैं। मैंने कहा था कि बच्चा, बच्चा भैया के प्रणाम, अच्छा लग रहा है। बच्चा भैया चुनाव लड़ रहे हैं, कामना है
कि चुनाव में आप बहुमूल्य वोट से विजयी हो, मैं तो यही कामना करूंगा। दूसरी चीज भी, आप कभी कभी तकलीफ भी हो जाती है, अपनों से दूर होना, अपनों से दूर रहकर ये सब देखना, तकलीफ तो है बट मजबूरी, और क्या कर सकते हैं, मतलब मजबूरी तो है कि हमें अपनों से दूर होना पड़ता है। लेकिन मैं एक गुजारिश करूंगा और यही कहूंगा आप लोगों से कि मेरा यूट्यूब चैनल जो चलता है जोश एक्सप्रेस, ये आप लोग का प्यार और आशीर्वाद से चलता है। इसको थोड़ा सा आप लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ढेर प्यार आशीर्वाद देंगे। और साथ ही साथ मैं अब बता दूं आप लोग को, पंजाब में एक आप लोग का भाई गरीब असहाय दिव्यांगों के लिए अपने संस्था के माध्यम से गरीब असहाय दिव्यांगों के लिए कॉलेज मतलब स्कूल खोलने जा रहा हूँ। वो भी लाइव स्कूल चलेगा, मेरे यूट्यूब चैनल से लाइव रहेगा। जब स्कूल चलेगा सुबह 8 से मतलब 12 बजे तक लाइव रहेगा। और ऐसे ही है, यहाँ के लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा और अपने गांव गिराव से और लोगों का प्यार आशीर्वाद रहा, अच्छा रहा, यही है। दूसरी चीज, हम मोदी तो हैं नहीं कि मन की बात कहें, मन की बात हम कह लेते हैं, लेकिन एक सजेशन जिसे लोग कहते हैं राय लेना, तो मेरा एक राय है कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल के एक छोटा परिवार हैं और साथ ही साथ आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद भी देते हैं, मुझे पता है। इसके वजह से मैं चाहूँगा कि आप लोग से एक छोटी सी राय होगी कि ये होली पे होलिका क्यों नहीं होना चाहिए, होलिका जो दहन होती है क्यों होती है, कैसे होता है, बहुत तमाम तरह की समस्याएं हैं। और शुभम राव बिंदास, अवधेश कुमार राजभर, अवधेश कुमार राजभर जी अगर हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो आपको नमस्कार प्रणाम। मैं शुभम भैया बिंदास, शुभम जी आप हमेशा मतलब एक से ना प्यार देते हैं, ये बहुत अपने लिए एक मायने रखता है कि आप जैसे लोग मुझे स्नेह और प्यार देते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ दिनों से पंजाब में आप जानते हैं किसान आंदोलन को लेकर पंजाब बंद चल रहा है, लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए वीडियो बनाना थोड़ा सा औखा है, लेकिन सब कुछ ठीक है, बढ़िया है, जो भी अच्छा है हमें करते रहना है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगे रहिए है, हम लोग आपके साथ हैं। शुभम भैया अच्छा बात है, आप लोग का प्यार ही आशीर्वाद है, नहीं तो मेरे पास क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आप लोग का प्यार आशीर्वाद बन रहा है और कृपा होनी चाहिए सबका, अगर कृपा रहे तभी कोई काम करने का आनंद होता है, बाकी तो सब ठीक है जो भी जैसे है। लेकिन होली, होली पे हम लोग चर्चा करते हैं कि होली क्यों मनानी चाहिए और क्यों नहीं मनानी चाहिए, अगर इसमें आप लोग थोड़ा सा विचार अपना देंगे हमें तो शायद मैं कल इसको यूट्यूब पे भी शेयर कर सकूं। मैं आप सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग बताएं कि होली होना चाहिए या नहीं चाहिए, और अगर होली होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए। आप लोग प्यार आशीर्वाद दें जैसे भी हैं, और आगे की कड़ी में मैं हूँ, जो भी है जैसे भी है, अच्छा लग रहा है कि आप लोग समय दे रहे हैं, और ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए बहुत कम आता हूँ, आप लोग बेखूबी जानते हैं, और इसके बस कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि होली क्यों मनाना चाहिए और क्यों नहीं मनाना चाहिए। आप लोग का मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों, कल होली है लेकिन यहाँ पे होली नहीं समझ, कल मैं वीडियो करूँगा, लाइव भी करूँगा कल, कि होली यहाँ पे कैसे मनाते हैं लोग, और होली नहीं यहाँ पे होला होता है, होला कैसे होता है वो भी मैं दिखाऊँगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे एक अलग रुतबा के साथ लोग जुड़े हैं और जुड़े रहेंगे, आप लोग का आशीर्वाद होना चाहिए, बस आप लोग आशीर्वाद बनाए रखें। आगे की कड़ी में
मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि कभी कभी गलतियाँ हमसे भी हो जाती है, तो आप लोग छोटा भाई समझ के क्षमा करें कि मुझे जहाँ तक उम्मीद है 4:10 तक मुझे लाइव रहना है। अभी चूँकि क्या होता है कि 4 मिनट और बाकी है, और 4 मिनट में जो भी है जैसे भी है ठीक है, 10 मिनट में अब कंटिन्यू रहूँगा। कंटिन्यू क्या मतलब, अपने यूट्यूब से लेके इस पर 10 मिनट ज़रूर मैं लाइव रहूँगा। तो यही है, आप लोग अगर राय दें तो बेटर है, और मैं चाहूँगा कि कहीं कमी हो तो उसको बताएं। और आज का तो टॉपिक सही था कि होली क्यों मनानी चाहिए क्यों नहीं मनानी चाहिए। तो आप लोग का ढेर आशीर्वाद प्यार बना रहे, मैं यही चाहूँगा। और दूसरी चीज, जिंदगी अमूल्य है, हम लोग को सोच समझ के चलना है। कोरोना हाँ, होला के बारे में कल बताएंगे शुभम भाई, कल एकदम होला क्या होता है वो कुछ लोगों से मैं बात भी करूँगा, और होला का वीडियो बनाऊँगा कि होला का वीडियो कैसे बनता है, होला होता क्यों है। जैसे हम लोग के यहाँ होली होती है, यहाँ पे होला होता है। तो ऐसे ही है, आप लोग का प्यार आशीर्वाद बना रहे, एक ना एक दिन कामयाबी मिलेगी, हमने तो यही ठाना है। और चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं थोड़ा सा, चुनाव को लेकर अपने यूपी में खासतौर से गाजीपुर में मैंने देखा है कि कुछ नए प्रत्याशी भी हैं और कुछ पुराने प्रत्याशी भी हैं। तो सम्मान है, सबका सम्मान है। दूसरी चीज, जो 10,000 के उसके शौचालय से 10,000 रुपये मिलता था, उसमें भी 2,000 लिख मतलब ले लिए, और वो भी कह रहे हैं कि मैं ईमानदार कर्मठ बहुत काम करने योग्य सुयोग्य जिसे कहते हैं मैं प्रत्याशी हूँ। अब उनके बारे में अब आप बताएंगे, और हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं मतलब जो हमसे जुड़े हमारे भाई, वो बताएंगे कि सच्चाई क्या है, उनको भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये आप लोग। चूँकि हम चर्चा करेंगे, निंदा जिंदा लोगों की होती है, मरे लोगों की तो सिर्फ तारीफ ही तारीफ होती है। मुझे ये घबराहट नहीं है, ना इस बात का तकलीफ होगा कि मेरी निंदा होती है, मेरी निंदा होती है होने दीजिए, मैं जिंदा हूँ इसलिए मेरी निंदा होती है, मुझे तकलीफ नहीं है। आप बेखूबी जानते हैं कि जितेंद्र को जब जब लोगों ने चैलेंज किया कि जितेंद्र तुम ये काम नहीं कर पाओगे, मेरा हाथ जब दोनों कट गया, आप बेखूबी देख सकते हैं, जब दोनों मेरा हाथ कट गया तो लोगों ने मुझे चैलेंज किया कि आप काम दोनों हाथ से कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। लोगों ने चैलेंज किया तुम लिख नहीं पाओगे, मैंने लिखना चालू कर दिया, लोगों ने चैलेंज किया मुझे कि तुम। तो यही है, आप लोग का प्यार है कहीं ना कहीं है। फोन आ चंद्रमा प्रसाद, क्या मित्र, क्या हालचाल है चंद्रमा साहब। चंद्रमा जी आप मेरे साथ पढ़े लिखे, अच्छा लगा, और आप हमसे जुड़े रहते हैं ये भी बहुत अच्छा है। समीर सिद्दकी जी, सलाम भाई साहब आपको भी, अच्छा है, आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे ही था, मतलब एक जुनून था शरीर में, और आज भी जुनून से काम हो रहा है, जैसे भी है। लोग अपने घर में अपने ज़िले में नहीं पहचान बना पाते हैं, लेकिन आपका यह भाई एक पहचान में, पंजाब में अलग पहचान बना है। और ये पग और ये क्या होता है दाढ़ी रखने से कोई सिख नहीं हो जाता, ये तो आप लोग का प्यार आशीर्वाद है कि लोग गांव पे जाते हैं देखते हैं तो लोग कहते हैं सिख हो गया है, पंजाबी हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सच्चाई हम बताओ तनी कि हम भोजपुरी मिट्टी से मने हिंदुस्तान की मिट्टी से हैं, और दूसरी चीज़ कि हम यूपी ऐसा देशा हो, खास तौर से हम गाजीपुर ज़िला से बिलोंग करी ना, और गाजीपुर ज़िला एगो ऐसा ज़िला है कि लोग मतलब तरसे ला कि वो ज़िला से हम पैदा होते हैं। तो ये हमारा प्यार है, ऐसे ही आप लोग का प्यार आशीर्वाद अगर बनल रहे तो गाजीपुर ज़िला का नाम एक ना एक दिन फिर से हर एक पन्ना में, जैसे कौनो एगो पन्ना उभार लेल जाए तो गाजीपुर के इतिहास का कौनो पन्ना उभारल जाए तब कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो हम चाहब कि एगो पन्ना ऐसा उभरे, धीरे धीरे ऐसा कुछ चलता कि वो में कुछ अलग मिले, कि लोग एक बार सोचें कि बिना हाथ के भी लोग मतलब जिंदगी का हथियार चला लेते हैं, मतलब ज़िंदगी जी लेते हैं। कैसे जी लेते हैं अब कोई हमसे पूछे तब तो समझ में आएगा।
आ सच्चाई बाटे कि जेकर बेवाय ना फाटे वो पीर पराए का जाने। अगर थोड़ा सा भी जेकरा के दर्द भइल हुई तो हमके पूरा विश्वास ना उम्मीद बटे कि उ बात के समझ सकेला। मित सिंह गुरसुरा खालसा, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बढ़िया महाराज बढ़िया। और दसो महाराज, मित साहब की हाल है? हम तो बहुत बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? ऐसे ही था, आज मौका मिला आप लोग के साथ जुड़ने का, और ऐसे ही रहा तो फिर मैं जुड़ूंगा। और कहीं ना कहीं आप लोग का प्यार आशीर्वाद है, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूँ और आप लोग के साथ जुड़ता हूँ। और आप लोग जो कमेंट कर देते हैं वही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो आज के लिए मैं चाहूँगा कि क्षमा करेंगे अगर कोई गलतियाँ हुई। बिक्की अंसारी जी, बिक्की अंसारी जी हैं, आप बताइए सर। प्रणाम, आदाब, सलाम। और कहाँ से हैं बिक्की साहब आप? गलती हो तो क्षमा करिएगा। और आप मुझे देख रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। अरविंद सिंह यादव जी हैं और समीर सिद्दकी मित, आप सभी लोग देख रहे हैं, मुझे आशीर्वाद है, प्यार है। बस ऐसे ही था कि आज मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग से बस राय दो टिप्स पे लेना था। होली क्यों मनानी चाहिए, क्यों नहीं मनानी चाहिए? होली क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? ये मेरे कमेंट में आप लोग का जवाब मैं चाहूँगा। इसको मैं कल हो सके तो यूट्यूब पे भी शेयर कर लूँ। दूसरी चीज़, पंजाब में होली नहीं होला होता है, वो उसका मैं कल वीडियो ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोग आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और जो देर से लिए के से आए हैं उनको भी स्वागत है, और जो पहले से हैं उनका भी मोस्ट वेलकम है, सबका स्वागत है। कुशवाहा अशोक, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार कुशवाहा अशोक साहब, नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? अच्छा लगा कि आप बहुमूल्य अपना कीमती समय हमारे इस लाइव पे दे रहे हैं। तो ऐसे ही चर्चा था कुछ, और क्या मैं बताऊं। अगर जो भी कुछ कमियां होगी आप कमेंट करेंगे, मुझे पूर्ण इंतज़ार रहेगा। नमस्कार दोस्तों।